विविध आता यानंतर यानंतर आता शंकरण्णा धोंडगे हे आपल्याला संबोधित करतील भाऊनो. अब की बार पहिल्यांदा आपल्या भूमीमध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर राव यांचं पदार्पण झालेलं आहे. खरं तर ही भूमी ही चळवळीची भूमी आहे. मी श्री चंद्रशेखर रावजी यांना विनंती करतो, त्यांचं पहिल्यांदा मनापासून या भूमीमध्ये स्वागत करतो आणि महाराष्ट्रातला बळीराजा हैराणीत आहे, इथला शेतकरी हैराणीत आहे, इथला मजूर हैराणीत आहे, कामगार हैराणीत आहे, इथला तरुण हैराणीत आहे. तेलंगणामध्ये आपण जे मॉडेल राबवलंय ते महाराष्ट्रामध्ये हे मॉडेल राबवलं पाहिजे. मी तुम्हाला विश्वास देतो, माझं आयुष्य शेतकऱ्याच्या चळवळीमध्ये गेलेलं आहे. केसीआर साहेब या देशाचे प्रधानमंत्री व्हावेत ही आमच्या सगळ्या बळीराजाची इच्छा आहे. हम किसान देश की शान जीने से बेजार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार है. चला आमच्या संग, तुम्हाला आमचं सगळं माहित आहे, बदल घडवून दाखवू. मी तुम्हाला विनंती करतो, आपण एवढ्या आज लग्न तारीख आहे, एवढ्या सगळ्या उन्हा ताणात लाखोच्या संख्येने इथं गोळा झालात, मी धन्य धन्य झालो. माझ्यावर तुमचं प्रेम, मी आमच्या जीवन रेड्डी साहेबाला सांगितलं होतं मी निवडणुकीत हरलो असेल पण माझ्या आयुष्यामध्ये मैदानात कधी हरलो नाही. बस केसीआर साहेबाचं स्वागत करतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. बहुत बहुत धन्यवाद शंकरण्णा जी, किसानों के नेता, महाराष्ट्र की आवाज, नांदेड़ की आवाज, बहुत बहुत आपका धन्यवाद. मैं महाराष्ट्र की सबकी तरफ से आदरणीय सीएम साहब, बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के नेता हम सबके बीच में हैं, बोलिए जय केसीआर. अब की बार बहुत वक्त ना गवाते हुए मैं सीधे उस कार्यक्रम पर चलता हूं. जो लोग, तमाम लोग पार्टी ज्वाइन करना वाले यहां पर हमारे बीच में स्टेज पर हैं, मैं सर्वप्रथम शंकरण्णा धोंडगे जी, जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, किसान नेता हैं, आपके लोहा से आते हैं, आपके नेता हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब उनको खंडवा डालकर पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं. सब लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करिए. दूसरे हमारे बीच में दलितों के बड़े नेता सुरेश दादा गायकवाड़ जी हैं, एक्स एमएलए कंटेस्टेंट रह चुके हैं पुराने, और पूरे महाराष्ट्र की आवाज है, दलितों की आवाज है, वंचितों की आवाज है. हमारे बीच में नागनाथ घिसेवाड़ जी हैं, लगातार पूरे नांदेड़ की एक आवाज है, एक पहचान है, एमएलए कंटेस्टेंट रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं. हमारे बीच में हर्षवर्धन जाधव जी हैं, एक्स एमएलए हैं, मराठा आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका थी, संभाजी नगर से आते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है. पीएस गवले यशपाल भिंगे जी हमारे बीच में हैं, नांदेड़ से एक्स एमपी कंटेस्टेंट रह चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, धनगर समाज से आते हैं, सीएम साहब ने उनको अपना पहनाकर, मैं अब नाम बोलता जाता हूं, ये बारी बारी से आते जाइएगा. पीएस गवले जी, मनोहर भोसिकर जी, धनंजय काकड़े जी, राठौर, हाँ सॉरी, हरिभाव राठौर जी हमारे बीच में हैं, बंजारा समाज के बड़े लीडर हैं, यवतमाल से एक्स एमपी हैं, आपका पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है. हमारे पीएस गवले जी, मनोहर भोईकर जी, धनंजय कक्कड़े जी, प्रहलाद फर्जे जी, दत्ता कामुले जी, राजकुमार केकटे जी,
शिवदास वैसवराव बारी बारी करके आगे बढ़ते आइए। प्रहलाद राखोंडे जी, आप बसमत से जेटपी हैं, आपका स्वागत है। जाकीर चौस जी एमएलए कंटेस्टेंट रहे हैं, आपका स्वागत है। लक्ष्मण वांगे जी, दीपक कांबले जी, कैलाश येसगे जी, मनीष भाले राव, भाग्यश्री गायकवाड़, वेंकटेश यलप्पा, रोशन सिंह गाड़ीवाला, रज्जाक सेठ, शेख अब्दुल सत्तार, भीमाराव दूटे जी, दत्ता पवार जी, शिवराज पाटिल माशेलकर जी, वेंकट राव गायकवाड़ जी, साईनाथ पाटिल फटजे जी, इसमें बहुत सारे जेटपी मेंबर हैं, मार्केट कमेटी मेंबर हैं, काउंसलर हैं, तमाम आसपास के जिलों के नेताओं हैं। सचिन पाटिल सिंधे जी, सुशील सावंत जी, संदिल पांचमल जी, सोपान देवकाटे जी, शिवराज पाटिल देवकॉम्बलेर जी, विश्वास राव जी, रामदास पवार जी, मकसूद जी आपका स्वागत है। आप आनंद राव गांगड़े कीड़े जी कंधार से, केशव कुलवंत जी, विशाल गाकवंत जी, रमेश गोलकर जी, प्रभाकर गोपाल आधव जी, निखिल शिवराज पाटिल जी, मिर्जा सोफले जी, आशीष दत्ता हट के नांदेड़ जी, गेमकर नारायण पाटिल जी, छत्रपति कुंडप्पा सोयमी जी, सूर्यकांत वैकंत राव जी, सुभाष चंद्र मोरे जी, गंगाधर पवार पंचित तालुका अध्यक्ष, पंकज कोंडे जी, महेंद्र देश मुंडे जी, ईश्वर पाटिल जी दुले, माधव जाबंगर जी, महमूद अजरुद्दीन, मंगेश बेवलकर जी, नागनाथ संजय कराले जी, नंद कुमार बमसोडे जी, दत्तारी धोत्रे जी, सुनील जी, सिरोधर खोसदार जी, उत्तम राव पाटिल जाधव जी, रामदात राव लाटके जी, भवन शिंदे जी, भगवान शिंदे जी, गंगाओकर पवार जी, फुलाजी टाटे, सुभाष मोरे, सूर्यकांत कोटगिरे, संजय पाटिल कामले, छिमृदी कोंडप्पा स्वामी, दिगंबर नागलूर पाटिल, प्रभाकर आधर पाटिल, शेख मकसूद गोंदेवाला, रज्जाक सेठ, वेंकटेश वशिष्कर, मोइन भाई, भीमराव दुधारे, गुलाबराव राठौर, और ऐसे सैकड़ों 200 लोग यहां पर हमारे सामने भी बैठे हैं जो पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन स्टेज पर जगह ना होने के कारण आप सबका भी सीएम साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संजय वडवरे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक एक करते ज्वाइन करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाइए। दिलीप दादा ढोंडगे जी, विजय ढोंडगे जी, शिवराज ढोंडगे जी, सुनील ढोंडगे जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ नारा लगाइएगा, आपकी बार। हाँ, दीपक जी के साथ यवतमाल और आसपास के जिले के लोग हैं, वो नाम पुकारेंगे। चंद्रपूर जिल्ह्यातील मान्यवर मंडळी भारत राष्ट्र समिति पक्षामध्ये या ठिकाणी प्रवेश करणार आहेत। ऍडव्होकेट संतोषजी कुडमेते, नरेंद्रजी मडावी, जितेंद्रजी कुडमेते, मुकेशजी पुरडकर, आकाशजी गेडाम, पुष्पकजी बंडीवार, झेडपी सदस्य सविताजी वरकडे, संतोषजी करमरकर, बालूजी कुडमेते, योगेशजी मडावी, आनंदराव अंगलवार, संदीपजी मडावी, शैलेशजी सिडाम, सतीशजी कन्नमवार, सतीशजी गेडाम नेशराम, मयूरजी कांबडे, सदाशिव मडावी, शंकरजी आत्राम। गोंदिया जिल्ह्यातील काही मान्यवर मंडळी भारत राष्ट्र समितीमध्ये या ठिकाणी प्रवेश करत आहेत। प्रदीपजी दुबे, प्रभुदासजी केडूत, दिलीपजी सरतरे, रवीजी चचाने, आणि भंडारा जिल्ह्यातून दीपकजी मेश्राम, संतोषजी ठक्कर, हे सगळे या ठिकाणी भारत राष्ट्र समितीमध्ये आज या ठिकाणी प्रवेश घेत आहेत। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। जी, नांदेड़ की जनता, लोहा की जनता ने सीएम साहब के सत्कार के लिए यहां पर एक आयोजन कर रखा है। बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के चंद्रशेखर राव जी, केसीआर जी, जिनको प्यार से पूरा देश बुला रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, या सोच के साथ अब की बार
मैं यहां पर शंकर अन्ना जी और सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि वो जो सत्कार का कार्यक्रम है वो करने के बाद, ठीक है बाद में करेंगे उसको, मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं वो मना कर रहे सीएम साहब, मना कर रहे, मना कर रहे, मना कर रहे।